तो गाइज़ आज के इस टाइम में आपकी शॉप का या आपके बिजनेस का डिजिटल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप देखते हो किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बिजनेस शॉप हो या आपकी कोई दुकान हो उसमें जाते हो तो आपको डिजिटली पेमेंट का ऑप्शन वहां पर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो यूज़र्स जो कस्टमर्स हैं आपके वो डिजिटली पेमेंट करना बहुत ही पसंद करते हैं। जैसे कि आपका गूगल पे हो गया, अमेज़ॉन पे हो गया, किसी भी UPI के थ्रू, यानी कि आपके गूगल पे, फ़ोनपे, जितने भी UPI ऑप्शंस हैं, भीम UPI वगैरह, ये सब का होना आपके यहाँ पर, यानी कि इस चीज़ का होना आपके यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपकी जो शॉप है वो डिजिटल शॉप बन जाती है, जिससे कि आप डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डिजिटली जो मर्चेंट ID होती है आपकी, जो QR कोड होता है, जो उसको आप कैसे बना सकते हो फ़ोनपे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी शॉप में डिजिटली पेमेंट का ऑप्शन कैसे अवेलेबल कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज जीतू एंड यू आर वाचिंग फाइमेटिक YouTube चैनल। सबसे पहले आपको जो है अपने प्ले स्टोर में जाना है। वहां पर जाने के बाद में आपको अपना जो है एक फ़ोनपे का बिजनेस एप्लीकेशन है जिसका नाम है फ़ोनपे फॉर बिजनेस, ये जो दिख रहा है आपको, एक्सेप्ट ऑल डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है, फ़ोनपे फॉर बिजनेस एक्सेप्ट डिजिटल ऑल पेमेंट्स, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने इंस्टॉल। देन इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ से इसको ओपन करना होगा, तो हम इसको पहले इंस्टॉल होने देते हैं। 13 MB का एप्लीकेशन है, बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए अगर आप पेटीएम वगैरह का बिजनेस बनाते हैं तो उसमें खाली आपको Paytm to Paytm वगैरह ऐसा ऑप्शन रहता है, लेकिन इसमें आपको ऑल जितने भी UPI होते हैं उन सभी का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है कि आप यहाँ पर स्कैन एंड पे कर सकते हैं या फिर UPI ट्रांजेक्शन भी यहाँ से कर सकते हैं फ़ोनपे के अंदर। तो चलिए सारी बातें हम आगे करने वाले हैं, तब तक के लिए इसको हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं। सो गाइस, फ़ोनपे हमारा इंस्टॉल हो गया, इसको हमको ओपन करना है, ओपन कर लेते हैं यहाँ से हम। ओपन करने के बाद में फ़ोनपे बिजनेस आपके सामने खुल के आ जाएगा इस तरीके से। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको सारी परमिशंस वगैरह अलाउ करनी होंगी, तो यहाँ पर हम अलाउ करते चले जाते हैं। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आपको साइन अप करना है या साइन इन करना है, तो आपको सिंपली न्यू यूज़र हो तो आपको साइन अप करना होगा। लेकिन आपको इससे पहले एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको अपने फ़ोनपे का जो एप्लीकेशन होता है फ़ोनपे ये वाला, इसमें आपको लॉगिन करना होगा सबसे पहले। इसमें लॉगिन करना बहुत ही सिंपल है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी एक वीडियो बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर आपको वहां पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ठीक है। तो इसमें सिंपली कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बैंक ऐड करनी होती है, वॉलेट एक्टिवेट करना होता है फ़ोनपे, और ये सब आपको आपको फोटो अपलोड करना होता है, यहाँ से आपको जो न्यू कार्ड जो भी होता है आपको अपलोड करके, यानी कि आपको फ़ोनपे पर अकाउंट बना के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली फ़ोनपे बिजनेस पर अकाउंट बनाना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साइन अप पे क्लिक करना होगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम डालना होगा, अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा, और यहाँ से गेट OTP पर क्लिक करना होगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर कि मेरा OTP आ गया और ऑटोमेटिक यहाँ से इसने उठा लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा ऑटोमेटिक OTP इसने ले लिया है और यहाँ से प्रोसेसिंग हो रही है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा ऑप्शन आता है बैंक ऐड करने का, तो सिंपली यहाँ से आपका साइन अप हो चुका है, यानी कि साइन अप तो आपका अकाउंट तो पहले से ही फ़ोनपे पर बना हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस बनाने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, उस पर OTP आता है, नाम डिटेल और मोबाइल नंबर डालने के बाद में OTP को आपको अपने ऑटोमेटिक उठा लेगा, आपकी सिम इसमें पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी बैंक लेनी है, जैसे कि मैं अपनी DBS बैंक यहाँ से लेना चाहूँगा, कि मेरा यहाँ पर DBS ये रहा, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ से एक SMS सेंड होगा, यानी कि ये आपका वेरिफिकेशन होगा, बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन, इसको आपको यहाँ से सिंपली सेंड पर क्लिक कर देना है, यहाँ से तो आपका SMS सेंड हो जाएगा। एंड थोड़ी देर बाद आपको यहाँ से ये आपकी बैंक यहाँ से ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको बैक कर देना है, बैक करने के बाद देखिए यहाँ से SMS सेंड हो गया, वहाँ से हमारा बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ सिंपली आ जाएंगे, आपके अकाउंट डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी, नाम आ जाएगा, अकाउंट टाइप आ जाएगा, यहाँ से आपको अगर सही लगता है तो यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मेरा ऑटोमेटिक DBS उठ गया, एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैसेज भी आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू योर फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट इज़ नाउ एक्टिवेटेड, जो भी है, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा, यहाँ से आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड यहाँ पर खुल के आ गया, आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड का नाम आ गया, जीतू टेक्नोलॉजी, ये मैंने डाला था, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए हमारे ट्रांजेक्शन आ गए, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं यहाँ पर देखिए 2 डे के ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं यहाँ दिखाता है। एंड इसके बाद जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं हम यहाँ पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है।
एंड यहाँ पर देखिए मेरे सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखाता है, जैसे कि अभी मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो वो यहाँ पर कोई नहीं दिखाएगा। एंड यहाँ से आप स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट पर आकर के, अभी मेरा यहाँ पर कोई स्टेटमेंट है ही नहीं तो कुछ दिखाएगा नहीं। एंड यहाँ पर देखिए प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए आपका नाम नंबर मिलेगा, यहाँ पर एडमिन है हम तो एडमिन दिखेगा, एंड व्यू डिटेल पर करके यहाँ से और भी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर बैक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप नीचे ऑप्शन रहता है मैनेज स्टोर लिस्टिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए स्टोर की लिस्टिंग यानी कि आपको अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पर दिखाया जाता है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी लोकेशन सेट करना चाहता हूँ तो सिंपली इस लोकेशन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मुझे अपनी लोकेशन एडिट करनी है, या फिर आपको फोटो वगैरह जो भी एडिट करना है यहाँ पर ऐड फोटो कर सकते हैं, यहाँ से अपना नंबर एडिट कर सकते हैं, नाम एडिट कर सकते हैं स्टोर का, ठीक है। एंड यहाँ से मुझे लोकेशन एडिट करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो भी लोकेशन है वो सर्च कर देनी है। जैसे कि मैं अभी सर्च कर लेता हूँ अपनी जीतू टेक्नोलॉजी एंड यहाँ से मैं डालूँगा टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से गूगल मैप से टेक्नोलॉजी वाली लोकेशन को उठा लेगा, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप अपना जो यहाँ पर करंट लोकेशन वाला ऑप्शन रहता है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो लोकेशन है उस पर आ जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से देखिए आपका यहाँ पर सारी लोकेशन आ गई है, इसको आप चाहते हो तो इसको यहाँ से सेव कर दीजिए, ठीक है। तो मेरी यही है तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, सिटी मुझे डालनी होगी सिटी में डाल देता हूँ, यहाँ से अपनी अलीगढ़ डाल दिया एंड इसके बाद यहाँ से जो भी मांगा है वो डाल दीजिए, कंट्री इंडिया होगी एंड यहाँ से सेव कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ से सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, मेरे यहाँ से सेव हो गया है। एंड इसके बाद चलते हैं बैक, एंड बैक आते हैं तो गाइस यहाँ से आप अपनी स्टोर की लिस्टिंग यहाँ से कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं जो भी आपकी स्टोर लिस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन रहता है यहाँ से मैनेज क्यूआर कोड, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सबसे मेन ऑप्शन यही है कि जब भी आप अपनी स्टोर पर जाएंगे तो देखिए आपका यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड की आईडी दे रखी है, यहाँ पर आपका नाम और जो भी नंबर है और टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल इसके बारे में आपको समझाऊंगा, यानी कि आपको 2, 4, 5 जितने टर्मिनल बना सकते हो आप बना सकते हो, मैं आपको भी बताने वाला हूँ। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर व्यू क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्यू क्यूआर पर तो यहाँ से आपको देखिए क्यूआर दिखाएगा आपका किस तरीके होता है। एंड दूसरा ऑप्शन रहता है आपको यहाँ से डाउनलोड करने का, यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करना है तो आपका जो क्यूआर कोड है जो कि आपको अपनी शॉप में रखना है या आपकी दुकान में लगा करके रखना है वो आपका वहाँ पर आप लगा के रख सकते हैं, तो ठीक है इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा आपका क्यूआर कोड, जैसे कि आपको दिख रहा है आपको दुकान पर आपने देखा होगा किसी भी दुकान पर या किसी भी जगह पर, यहाँ पर आपकी आईडी रहती है, यहाँ पर आपका नाम रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए टर्मिनल 1 मेरा है यानी कि मैं एडमिन हूँ इसका। एंड देखिए यहाँ पर पेमेंट किस किस से ले सकते हैं, फोनपे, व्हाट्सएप, फ्री रिचार्ज, फास्ट रिचार्ज होता है आपका फ्री रिचार्ज, एंड उसके बाद गूगल पे, पेटीएम हो गया आपका, HDFC सेविंग अकाउंट, यानी कि इतने सारे यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ से किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन क्यूआर कोड करके यहाँ से आप ले सकते हो पेमेंट, ठीक है। इसको आप अपनी शॉप में लगा के रखिए तो आपकी यहाँ से डिजिटल शॉप बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन जो है हमारा टर्मिनल वाला उसको मैं आपको समझा दूँ, देखिए वो क्या चीज़ है। तो आपका यहाँ पर देखिए आपको मिलता है यहाँ पर मैनेज यूज़र एंड रोल्स, यानी कि आपको यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आपकी कोई कंपनी है उसमें बॉस है, मैनेजर है और स्टाफ है, यानी कि 3-4 लोग हैं, तो आप चाहते हो कि एक ही अकाउंट को वो सारे लोग एक्सेस करें, बट जो मेन जो रोल है वो मेरा ही रहे, यानी कि जो मेन एक्सेस है एडमिन जो है वो मैं ही रहूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ से ऐड पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको नाम डालना है उसका और रोल यहाँ पर आपको डालना है, जैसे कि अभी एजेंट है यहाँ पर देखिए आप डाल सकते हैं, मैनेजर है तो मैनेजर कर सकते हैं, एजेंट है एजेंटर कर सकते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल है तो कोई फाइनेंशियल कर सकते हैं, जो भी है जैसे कि मैं एजेंट रखना चाहूँगा तो एजेंट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखें, देखिए अगर आप एजेंट रखते हैं तो वो खाली क्या करेगा, व्यू ट्रांजेक्शन एंड व्यू QR कोड यानी कि इन्हीं को देख पाएगा, लेकिन अगर आप मैनेजर रखते हैं तो डैशबोर्ड एक्सेस कर पाएगा, व्यू ट्रांजेक्शन कर पाएगा, रिफंड ट्रांजेक्शन को रिफंड भी कर पाएगा, अपडेट QR कोड एंड ऐड रिमूव नोटिफिकेशन जो भी है वो सारे काम कर पाएगा। इसके बाद देखिए फाइनेंशियल में भी यही है, कैन व्यू ट्रांजेक्शन डिटेल, सर्च ट्रांजेक्शन, फंड रिफंड जो भी आपका, व्यू अपडेट QR कोड जो भी है सारे कर पाएगा। तो एजेंट क्या करेगा, खाली व्यू ट्रांजेक्शन एंड व्यू QR कोड को, ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर नाम देंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ से ऐड न्यू यूजर पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेगा, जो आपका जो एजेंट आप बना रहे हो वो अपने मोबाइल में फोन पे बिजनेस को इंस्टॉल करेगा और यही सारी डिटेल्स मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करने के बाद वो खाली जो हमने उसको रोल दिया है उसी को एक्सेस कर पाएगा, तो इसमें रहता है ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बाद आपकी मर्चेंट प्रोफाइल रहती है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके यहाँ पर प्रोफाइल्स जो होगी, जो भी आपका नाम, डिटेल, नंबर वगैरह है सारे कुछ यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर ऑल भीम UPI एप्स, यहाँ पर आपको पेमेंट के जो ऑप्शन है वो सारे अवेलेबल मिल जाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका हेल्प रहता है और यहाँ से आप हेल्प में चैट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यानी कि ये इस तरीके से आप अपना जो शॉप है उसमें आप अपना जो है फोन पे का बिजनेस अकाउंट बना करके उसमें आप अपना एक QR कोड बना करके आप रख सकते हैं, जिससे कि आप कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको पेमेंट एक्सेप्ट करने के, यानी कि आपकी जो शॉप है वो डिजिटल शॉप यानी कि डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेबल बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है आपकी शॉप को स्मार्ट शॉप यानी कि डिजिटल शॉप में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और इसमें आपको देखिए सिंपली से क्या करना है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, यानी कि मोबाइल नंबर, नाम डाल के आपको कर लेना है, उसके बाद आपका बिजनेस नेम डालना है, डिटेल्स डालनी है, सारा कुछ डालने के बाद आपका जो अकाउंट ऐसे क्रिएट हो जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना,
अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और वीडियो को फैला दीजिए सारे फ्रेंड्स में, जितने भी आपकी आप नॉर्मल शॉप है या बड़ी शॉप है जहाँ भी हो आप फैला दीजिए, और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस। तो चलते वीडियो में नई वीडियो साथ में, तो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।